हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें इंडिया के बहुत सारे बच्चे हर साल जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के बच्चे जब एफएमजी का एग्ज़ाम देने आते हैं तो उनका जो क्वालिफाई जो रेशियो होता है वो 90% प्लस होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वहाँ के बच्चे, उस कंट्री के बच्चे एक बार में इंडिया में आ कर के एफएमजी का एग्ज़ाम तक क्लियर कर लेते हैं। तो इससे साबित होता है कि उस कॉलेज की स्टडीज़ जो हैं बहुत अच्छी हैं, वहाँ का एजुकेशन पैटर्न काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए आज वीडियो में इस बात करेंगे कि कॉलेज के बारे में, उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के अंदर जो स्टेट है जहाँ पे कॉलेज स्थित है, क्या कॉस्ट है कॉलेज का, कॉलेज कैसा है, कॉलेज की फैसिलिटीज़ क्या हैं, कॉलेज के सिक्योरिटीज़ क्या हैं, कॉलेज का एजुकेशन कैसा है। आज इस वीडियो में सब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कॉलेज का जो नाम है वो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मॉस्को जो है वो रशिया का सेंटर है, केंद्र है, और मॉस्को के अंदर एक जगह है उफा नाम की, वहाँ पर ये कॉलेज स्थित है। कॉलेज का नाम है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे इंडियन जो बैच है अप्रॉक्स 2015 से बच्चे यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर 2015 से भी आप देखिएगा तो अभी तक जो है 4 से 5 बैच जो है यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो एफएमजी का क्वालिफिकेशन जो स्कोर है वो 90% जो है बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में इंडिया में आकर स्टडी करते हैं और पास आउट होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उफा जो आपकी जो सिटी है वो एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पर किसी भी तरह से आपको दिक्कत ना साधन में, ना खाने में, ना पीने में, ना रहने में, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ का हॉस्टल आपको जो है, ये कॉलेज जो है आपका जो है, वहाँ का कैंपस जो है सब आपको एक ही में मिलेगा। यहाँ पे आपको दूरी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कॉलेज आपका यहाँ है और वहाँ से कैंपस जो है 500 मीटर पे है, और हॉस्टल जो है 1 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे, 2-2 किलोमीटर पे है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल है और आपके प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों की यहाँ पे एक फैक्ट बात मैं आपको बता दूँ, बच्चों की जितनी संख्या है, बच्चे जिस स्तर से यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे हॉस्टल की कमी हो जाती है। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको हॉस्टल जो मिलेगा वो गवर्नमेंट हॉस्टल ही मिलेगा। हॉस्टल में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वैसा भी पैनिक होने की बात नहीं। गवर्नमेंट हॉस्टल अगर नहीं भी मिलता है आपको तो यहाँ पर हॉस्टल का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, ईयरली कॉस्ट जाता है। मैं आपको बता दूंगा अभी। तो पहले हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में। कॉलेज कि जो स्टडी का जो पैटर्न है यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टडी यहाँ पे है। यहाँ के जो मेडिकल लैब्स हैं वो आपके बहुत ही पुराने भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाईटेक मशीनें मिलेंगी जहाँ पर आपको पेशेंट फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन सिटी में कॉलेज है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उफा का। तो यहाँ पर पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। और कॉलेज की फ़ीस जो है वो ज़्यादा नहीं है। कॉलेज की जो फ़ीस है अप्रॉक्स 2,94,000 रूबल है, अप्रॉक्स कह सकते हैं 3 लाख रुपीज़ ईयरली है कॉलेज की फ़ीस। और प्लस यहाँ पे हॉस्टल आपका जो है 14,000 रूबल के अराउंड में, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्राइवेट जो हॉस्टल मैंने आपको बताई थी प्राइवेट हॉस्टल के बारे में, तो प्राइवेट हॉस्टल का भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। प्राइवेट हॉस्टल का कॉस्ट अप्रॉक्स पड़ेगा तो 34,000 to 40,000 रुपीज़ पड़ेगा, 34,000 रूबल के अराउंड में, अगर वहाँ के करेंसी की बात करेंगे तो 34,000 रूबल प्राइवेट हॉस्टल यहाँ पर आपको मिल जाता है। प्राइवेट हॉस्टल ऐसा नहीं है कि कॉलेज से ज़्यादा दूर है, ये आपको 500 मीटर में या 700 मीटर के आसपास में कॉलेज के प्राइवेट हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स के जो हॉस्टल है वो लिमिटेड है। तो अगर आप पहले यहाँ पे बुकिंग करते हैं, यहाँ पे बुकिंग आप पहले कर लेंगे तो आपको प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जितना लेट आप यहाँ पे बुकिंग करेंगे, जैसे जितना लेट आप एडमिशन लेते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल के चांसेस कम हो जाते हैं। यही डिफरेंस है।
तो यहाँ की कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपको पता ही है बीच में रूबल का प्राइस गिरा था, बट अब रूबल का प्राइस फिर से सीक्वेंस हो चुका है। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में अभी ऐसा भी चल रहा है कि रशिया बच्चों को भेजे क्यों, है ना। रशिया में बच्चों को वॉर हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो देखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हर साल पिछले साल की भी बात करूँ तो अकेले अगर इस कॉलेज की बात करूँ तो लगभग 1200 स्टूडेंट आपके इंडियन स्टूडेंट्स बस्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर गए हैं, ठीक है। तो ऐसी घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। पूरे रशिया की बात मैं करूंगा तो रशिया में ऑल ओवर नहीं भी स्टूडेंट लास्ट ईयर के अराउंड में तो नहीं भी गए होंगे तो 10,000 टू 12,000 अराउंड स्टूडेंट केवल रशिया पढ़ने के लिए गए हैं MBBS। तो आप खुद सोचिए अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो यहाँ पर स्टडी करने कोई बच्चा जाता नहीं, ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं, कॉलेज जो मैंने आपको बताया बस्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में काउंट होता है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी काफ़ी अच्छी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे आपका ये भी बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी होता है कि बच्चा पढ़ता है, बच्चा पास नहीं हो पाता है तो पैसे दे दा के कॉलेज में सेटल हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे पढ़िएगा नहीं तो यहाँ पे आप पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, जो एक रूल रेगुलेशन है उसका फॉलो आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस देखने को मिले, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कॉलेज अगर आपको बस्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है तो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली है, बट हाँ स्टडी के मामले में काफ़ी अच्छा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 90% आपका FMG का पासिंग स्कोर है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टडी का जो पैटर्न है काफ़ी अच्छा है। और जिन बच्चों को अपनी MBBS की एजुकेशन के क्वालिटीज़ में अगर आपको पढ़ना है तो ये कॉलेज मैं प्रिफेयर बिल्कुल करूँगा। और कॉस्टिंग भी यहाँ की ज़्यादा नहीं है, बजट अराउंड आप लेके चलिए, टोटल ऑफ कॉस्ट रहना खाना फूडिंग लॉजिंग लेके चलिए तो आपको 6 ईयर में अप्रोक्स 30 लैक्स to 33 लैक्स के अराउंड में टोटल कॉस्टिंग आपका आ जाता है, ठीक है। और रहना खाना पीना सब मैं आपको एक कॉस्टिंग एवरेज बता रहा हूँ, 30 लाख रुपीज़ इनफ हो जाते हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। और किसी भी तरह से कोई हेल्प कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू किसी भी क्वेश्चन का जो भी आपके डाउट हो हमारे काउंसलर के थ्रू आप अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। और फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।